बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर आज होगी धामी कैबिनेट की बैठक। शाम 4 बजे होगी धामी कैबिनेट की बैठक। ऋषिकेश नगर निगम के सीमा विस्तार समेत पेश होंगे कई प्रस्ताव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आज होगी धामी कैबिनेट की बैठक। शाम 4 बजे धामी कैबिनेट की बैठक होगी और इसमें ऋषिकेश नगर निगम के सीमा विस्तार समेत पेश होंगे कई प्रस्ताव। बड़ी और अहम खबर देहरादून से आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर आज धामी कैबिनेट की बैठक होगी। शाम के 4 बजे ये बैठक होगी धामी कैबिनेट की और ऋषिकेश नगर निगम के सीमा विस्तार समेत पेश होंगे कई अन्य प्रस्ताव। बड़ी खबर देहरादून से आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर आज धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे ये बैठक होगी, जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। ऋषिकेश नगर निगम के सीमा विस्तार समेत कई अन्य प्रस्ताव भी पेश होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज शाम 4 बजे धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। ऋषिकेश नगर निगम के सीमा विस्तार समेत कई अन्य प्रस्ताव भी पेश होंगे इस बैठक में। शाम 4 बजे धामी कैबिनेट की ये बैठक होने वाली है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज होगी धामी कैबिनेट की बैठक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, आज शाम 4 बजे धामी कैबिनेट की बैठक होगी और इसमें कई तरह के प्रस्ताव जो है वो पेश होंगे, क्या कुछ विशेष जानकारी? देखिए, कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे सचिवालय में होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पे मुहर लगते हुए नजर आ सकता है। सभी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। साफ तौर पे देखा जाए तो जिस प्रकार से ऋषिकेश नगर निगम के सीमा विस्तार को लेके लगातार जो कवायद की जा रही थी, और ऐसे में संभावनाएं हैं कि जो सीमा विस्तार से संबंधित जो प्रस्ताव है उस पर आज मुहर लग सकती है। दूसरी तरफ देखें तो चारधाम यात्रा वर्तमान में चल रही है। चारधाम यात्रा की जो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री अधिकारियों मंत्रियों के साथ चर्चा कर सकते हैं और कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा में जो खामियां हैं उसको समय रहते पूरा करने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं। चारधाम पे चर्चा जो है इस कैबिनेट में रहेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो कर्मचारियों से संबंधित जो मामले हैं, वेतन विसंगतियों के, लंबे समय से राज्य के अंदर जो कर्मचारी हैं उनके कई सारे वेतन विसंगतियों से जुड़े हुए मसले हैं, पदोन्नति से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनपे सरकार कहीं ना कहीं विचार कर सकती है और उससे जुड़े हुए प्रस्तावों पे भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कृषि विभाग से संबंधित कहीं ना कहीं प्रस्ताव, ऊर्जा विभाग, शिक्षा विभाग, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कई सारे ऐसे प्रस्ताव हो सकते हैं, विधेयक हो सकते हैं जो इस कैबिनेट में लाए जाएंगे। कई संशोधन प्रस्ताव भी होते हैं जो इस कैबिनेट में आने की संभावनाएं हैं और उसमें मोहर लगने की पूर्ण रूप से संभावनाएं देख रही हैं। बहरहाल अगर हम देखें तो दो मुख्य कहीं ना कहीं जो प्रस्ताव है इस कैबिनेट में, एक तो नगर निकाय ऋषिकेश का मसला विस्तार का, दूसरा चारधाम पे चर्चा, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जी ज्ञानेंद्र, चार धाम मौसम की वजह से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, जिसकी वजह से आज केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों की यात्रा भी आज के लिए सिर्फ रोक दी गई है। क्या लगता है कि मौसम की वजह से जो यात्रा में बाधाएं आ रही है उस पर भी इस कैबिनेट में चर्चा हो सकती है? देखिए, पूरी हर स्थिति पे कहीं ना कहीं चर्चा किया जाएगा। जिस प्रकार से आज 3 तारीख को यात्रा रोकी गई है, इस बात पे भी चर्चा होगी खासतौर पे इस बैठक में। और जो व्यवस्थाएं हैं चार धाम क्षेत्रों में, क्योंकि हमने समय समय पे कई सारी खामियां देखी हैं वर्तमान में, तो उनपे चर्चा होगा। अधिकारी लगाए गए हैं, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। डीजीपी स्तर के अधिकारी, डीजीपी खुद वहाँ मुआयना कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन वहाँ लगा हुआ है, कई सारे सचिव स्तर के अधिकारी लगातार जा रहे हैं वहाँ पे। तो व्यवस्थाएं किस प्रकार से कहीं ना कहीं व्यवस्थित रहे, कोई खामी ना हो, यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, और जैसे मौसम भी खराब होता है तो समय रहते जानकारियां सभी यात्रियों तक किस प्रकार से उसे समय रहते पहुंचाया जाए, सुरक्षित स्थानों पर उनको रोका जाए, क्योंकि कई सारी दुर्घटनाएं भी हो रही हैं जो हमने देखी हैं। कल भी जो दुर्घटनाएं हुई परसों हुई,
लगातार हो रही हैं, क्योंकि मौसम खराब हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, इन सब विषयों पे चर्चा किया जाएगा कि दिक्कतें ना हो और आज इस प्रकार से केदारनाथ की यात्रा को स्थगित किया जाए, मौसम साफ होने से पुनः उससे शुरू भी किया जाएगा। तो इस सभी विषयों पर चर्चा होगा, विशेष तौर पर चार धाम यात्रा एक बड़ी यात्रा है तो इस कैबिनेट में उस पर विशेष तौर पर चर्चा होने वाली है। नगर निगम के सीमा विस्तार समेत कई अन्य प्रस्ताव भी पेश होने को लेकर ये कयास लगाई जा रही है कि नगर निगम के सीमा विस्तार को लेकर भी प्रस्ताव पेश होंगे। हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया ऋषिकेश के नगर निगम के सीमा विस्तार को लेकर काफी लंबे समय से जो कार्यवाही चल रही है और इसमें अब उम्मीद है कि कैबिनेट में इससे जुड़ा जो प्रस्ताव है जो कि बन के तैयार हो गया है, जैसे कि संभावनाएं जताई जा रही हैं, जानकारियां मिल रही हैं कि इस कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पे मुहर लगता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम देखें तो जिस प्रकार से कई सारे ऐसे अन्य प्रस्ताव हैं, कृषि विभाग से जुड़े, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कई सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जो इस कैबिनेट की बैठक में आने वाले हैं। कई संशोधन नियमावलियों में संशोधन के प्रस्ताव हैं जो इस कैबिनेट में आ सकते हैं, जिसमें कि आज जो है कहीं ना कहीं इस कैबिनेट का मोहर लगते हुए नजर आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो कई मायनों में कैबिनेट बैठक है वो महत्वपूर्ण। ठीक है, ज्ञानेंद्र शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट्स के लिए नजर बनाए रखिएगा।